हेलो दोस्तों, ये जो आप देख रहे हैं ये गौशाला का निर्माण हुआ है सरोनी पुरापट्टी गांव में। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ये ऑफिस टाइप एक जो ये गौशाला की देखभाल करेंगे उनके लिए बनाया गया है। और ये जो आप साइड में देख रहे हैं यहाँ पे चारक गौवंश के चारक की व्यवस्था के लिए बनाया गया है। अच्छा है, काफ़ी सेट वोटर लगा दिया है, एकदम अच्छा। ये ऑफिस हो गया और यहाँ पे देखिए प्रशासन की तरफ से बोर्ड भी लगाया गया है। निर्माण काल चल रहा है, निर्माणधीन कार्यस्थल ये ऑफिस है। अच्छा है काफ़ी, अंदर से भी देखना चाहेंगे तो दिखाते हैं आपको अंदर से भी। ये देखिए, ये अंदर से है ऑफिस टाइप, अच्छा है। और ये जस्ट ऑफिस के बाजू में ही शौचालय की व्यवस्था की गई है। ये बहुत ही अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं शौचालय है। यहाँ पे जो रहेंगे जो देखभाल करेंगे उनके लिए शौचालय की व्यवस्था, बहुत ही अच्छा। ये चारा वारा के लिए। और आइए गौशाला देखते हैं। निर्माण अभी चल ही रहा है। अब देखिए गौशाला बंद करके तैयार हो गया है, तैयार हो रहा है। ये चार बना है, ये पहला हो गया, इसके आगे दूसरा, इस साइड में तीसरा और उसके जस्ट आगे चौथा। आइए दिखाते हैं आपको। ये देखिए ये गौशाला एकदम बना हुआ, अच्छा। अभी साफ सफाई होना बाकी है। ये कैसे गौशाला बनल बताओ। ये देखिए गौवंश के चारे की व्यवस्था के लिए ऐसा नाद जैसा बनाया गया है। और ये यहाँ पे नीचे ढलान जैसा बनाया गया है, काफ़ी अच्छा काम लग रहा है। अब देखते हैं, कुल ऐसे चार बने हैं, एक पहला हो गया, इसके साइड में दूसरा, इसके आगे भी एक तीसरा और जस्ट उसके बाजू में चौथा। और ये ऐसा ढलान टाइप बनाया गया है। ये जस्ट यहाँ पे देख सकते हैं नाली, जो गौ का मूत्र है, मलमूत्र है, वो इस नाली के द्वारा सीधे बाहर निकलेगा। काफ़ी अच्छा व्यवस्था आप देख सकते हैं और बहुत ही अच्छा, क्योंकि यहाँ पे सीधा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे देखिए आप, सीधा सड़क है, ये सीधा बाजार से पूरा अंदर बंद तक है ये सड़क। सड़क काफ़ी टूट गई है बट ठीक है। ये पूरा व्यू देख सकते हैं, पूरा व्यू। ये पहला गौशाला, उसके पीछे दूसरा, ये तीसरा, उसके बाजू में चौथा। ये पूरा व्यू, ये पहला हो गया, ये पहला, ये दूसरा, उसके बाजू में तीसरा और उसके आगे उधर चौथा। अब देख सकते हैं ये जो है सामने, ये गौवंश के चारे की व्यवस्था के लिए एक गोडाउन जैसा बनाया गया है, रखने के लिए व्यवस्था के लिए। और यहाँ पे जो रहेंगे, जो देखभाल करेंगे उनके लिए एक क्वार्टर बनाया है और जस्ट उसके बाजू में ही शौचालय की उनके लिए व्यवस्था की है, बहुत ही अच्छा। यहाँ पे बोर्ड भी लगा है निर्माणधीन कार्यस्थल के लिए। कुल कार्य की लागत 120 लाख रुपये है। देखते हैं, काम अच्छा लग रहा है, अगर बन जाता है अच्छे से होता है तो यहाँ गांव के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि जो गौवंश घूम रहे हैं किसानों की खेतों को बर्बाद कर रहे हैं, जो उनकी फसलों को ख़राब कर रहे हैं, खा जा रहे हैं, उससे काफ़ी राहत मिलेगी। एक सरकार के लिए, सरकार
जो गांव की भलाई के लिए सोच रही है, एक अच्छा कदम। ये पूरा व्यू आप देख सकते हैं, पूरा व्यू। ये सड़क है, पूरा अंदर वन में जाती है। और ये जो गौशाला का निर्माण जो हुआ है, एकदम गोमती नदी के तट पे हुआ है। आप वहाँ पे देख सकते हैं, वो शिव जी का छोटा सा मंदिर है और उसके नीचे गोमती नदी बहती है, गोमती आदि गंगा गोमती माँ, जस्ट नीचे ही। ये पूरा देख सकते हैं आप निर्माण, ये रहने की व्यवस्था और जहाँ पे चारा वगैरह रखेंगे वो, और ये पूरा गौशाला, बहुत ही अच्छा काम। धन्यवाद।